सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली। पेपर केवल दो सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करें, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करें। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से 8 पॉइंट्स पर काम करने के लिए भी कहा है। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की, वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। जहां तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहाँ तक सीमित क्या है वो अलग चीज़ है, गड़बड़ी तो मान ली ना। आई वेलकम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ पेपर लीक दैट हैज टेकन प्लेस इन द नीट एग्जामिनेशन। द गवर्नमेंट हैज ऑल अलोंग सेड दैट द question paper leak was limited to one or two places and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. Despite this, in a very mischievous and irresponsible manner, Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. The Supreme Court has very clearly said that there is no mass scale discrepancy. I welcome this judgment of the Supreme Court. The Education Ministry, under the leadership of Dharmendra Pradhan ji, has been taking various corrective measures, not just in the short term but also to fix this issue in the long term, so that there is no repeat of such discrepancies, even in a limited fashion. I'm sure that once these reforms will be put in place, the NTA and the NEET examination will be one of the most robust, transparent and foolproof examination organizations in the whole world.